के पब्लिक कांग्रेस के साथ है, ये बीजेपी और बीजेडी की जो संबंध है, मैं अभी भी बोल रहा था कि पांडियन जी के खिलाफ बीजेपी ने एक शब्द नहीं बोला, मैंने नहीं सुना, इसका क्या मतलब है? नवीन बाबू के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला, एक ही विपक्ष वाली लोगों को आवाज जो पार्टी जो उठा रहे हैं सिर्फ कांग्रेस है। खड़गे जी आएंगे, पूरा कार्यकर्ता से को संबोधित करेंगे, फिर पदाधिकारी से मिलेंगे, इससे पूरे पार्टी में जोश आएगी और मुझे लगता है कि उसके आधार पर हम लोग काम करेंगे। सबकी नजर है कि खड़गे जी क्या बोले, तो इंतजार कीजिए, बहुत अच्छा भाषण बोलते हैं और बहुत सुंदर तरीके से वो समझाएंगे कि देश की स्थिति क्या है, उड़ीसा की स्थिति क्या है। सर, आप इंचार्ज के हिसाब से दायित्व लेने के बाद कई जिले घूम चुके हैं, पब्लिक मीटिंग भी किए हैं, क्या लोगों का समस्या क्या दिख रहे हैं जो इलेक्शन में इस बार मुद्दा होगा? देखो, सबसे ज्यादा गरीबी उड़ीसा में, अगर आप इनकम देखेंगे पूरा देश में औसतम इनकम 10,000 रुपए पर मंथ, उड़ीसा में 5,000 है। 40% आपका पंचायत में मोबाइल फोन का कनेक्शन नहीं है, टीवी फायदा नहीं है, कोई नहीं देख पा रहा है आपका। उड़ीसा में 40% पंचायत में मोबाइल कनेक्शन नहीं है। 2023 में पांडियन जी और नवीन बाबू और बीजेपी ने आपको मोबाइल कनेक्शन नहीं दिया है 40% ग्राम पंचायत में, तो आप सोचिए क्या स्थिति है। 30 लाख लोग जो है प्रदेश छोड़ करके, प्रदेश का 10% जो है बाहर है खाने के लिए, 2 लाख सरकारी पद खाली है, हीराकुंड और जितने भी डैम्स बने हैं सिर्फ हमने बनाया, नैलको हमने बनाया, तो आप सोचे प्रायद्वीप हमने बनाया, इन्होंने कुछ नहीं किया 23 साल में। चावल का दाम नहीं है, चावल का दाम बेचने के बाद 10 किलो 15 किलो काट ही देता है। सबसे गरीब लोग देश में उड़ीसा में आ गया है और बेरोजगारी सबसे ज्यादा, महिला के ऊपर सबसे ज्यादा रेप, यार यहाँ पर कैबिनेट मिनिस्टर को गोली मार देता है, कहीं हुआ है? आज 1 साल हो गया कुछ इन्वेस्टिगेशन, वही मैं बोल रहा हूँ, लड़कियों की जो है महल वाली बच्ची का जो रेप हुआ, तो आप बताओ बच्चियां रेप हो रही है, कैबिनेट मिनिस्टर मर रहे हैं, कमाई नहीं है, पंचायत में फोन कनेक्शन नहीं है, पांडियन जिंदाबाद। बीजेडी के नेता बोल रहे हैं कि सिर्फ सुंदर भाषण देने में कुछ नहीं होता, काम करना पड़ता है। वो तो सही बोल रहे हैं, वो सुंदर भाषण ही बोलते हैं, काम कहाँ है, काम कहाँ है, वो ठीक बोल रहे हैं, अपने बारे में बोल रहे थे ना, सुंदर भाषण देने से काम नहीं चलेगा, अब काम करो। 40% मोबाइल कनेक्शन नहीं, देश का जो आय सबसे कम 5,000 रुपए महीने का, बेरोजगारी सबसे ज्यादा पलायन, सबसे ज्यादा छेड़खानी। ये मुद्दा यहाँ के वोटर को टच करेगा? आपको टच कर रहा है ना, तो सबको टच करेगा, लड़की की छेड़खानी, गरीबी, आप भी आम पब्लिक हो, आप भी सोच रहे हो ना कि क्यों हो रहा है उड़ीसा में। बिल्कुल तो बच गया, अब जो है बैंड बाजा है, खड़गे जी जो है बैंड लीडर है हमारे पार्टी के, पूरा ऑर्केस्ट्रा चलाएंगे और चुनाव में बहुत शानदार रिजल्ट होगा। सबके बोल रही है कि प्रभारी है, प्रभारी आने के बाद कुछ नए संजीवनी आ गया है उड़ीसा प्रदेश का? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, अगर कोई ये बोलता है गलत है, पहले से ये लोग, मेरा काम है, ये हनुमान है, इनकी शक्ति को समझाना मेरा काम था। हमारे कांग्रेस में सब हनुमान है, बट ये अपने शक्ति को नहीं समझ पा रहे थे, हमारा छोटा सा काम है कि इनको शक्ति समझाना। आपने समझ दिया? नहीं, अभी तो शुरुआत है।